नमस्कार दोस्तों, नया कुछ वैकेंसी अगर क्रूज के लिए आता है तो हम वेट नहीं करते हैं, आपके लिए वैकेंसी का वीडियो लेके आता है। हाँ दोस्तों, अभी कुछ वैकेंसी आया है क्रूज शिप में। अगर आप बहुत दिन से क्रूज शिप में जॉब ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आपको क्रूज शिप में जॉब मिल सकता है। अगर आपके पास एडुकेशन नहीं है तो भी ऐसी कुछ पोस्ट है क्रूज में जिसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है अगर आप क्रूज शिप में जाना चाहते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत, आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। अगर आप क्रूज शिप में जॉब ढूंढ रहे हो, तीन चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। एक है आपका रिज्यूम, नेक्स्ट है आपका एडुकेशन सर्टिफिकेट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये तीन चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले जो है रिज्यूम, आपका रिज्यूम अगर आप प्रॉपर वे से रेडी करोगे तो सिलेक्शन चार्ज 90% हाई हो जाता है ना। तो रिज्यूम प्रॉपर वे से आपको रेडी करना है। बहुत लोग इस जगह पे गलती करते हैं, रिज्यूम प्रॉपर वे से रेडी नहीं करके क्रूज में एप्लीकेशन डालते हैं, रिप्लाई नहीं आता। आपका रिज्यूम रेडी करके कंपनी जितना है आपका पोस्ट का, जिधर जिधर वैकेंसी आया है हम आपके लिए एप्लीकेशन करके देते हैं बहुत मिनिमम चार्ज लेके। 95% इसमें सक्सेस रेशियो है, 95% लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है आपका इंटरव्यू के लिए। अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीडियर में होता है ना, नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है आपका स्टार्ट होता है उसके बाद, इंटरव्यू क्रैक होने के बाद। ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर से बहुत लोग ऐसे इंटरव्यू दिया है। मैं हर एक भाई से पूछता हूँ आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, वो हम दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए एक हेल्पफुल गाइडेंस होने वाला है। अगर आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू फेस करोगे तो आपका सिलेक्शन चांस बहुत हाई हो जाता है। देखो, अगर आप क्रूज में जाना चाहते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन करने से पहले ही पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट नंबर उधर ऐड करना पड़ता है एप्लीकेशन करने के लिए, है ना। तो पासपोर्ट प्रॉपर वे से रेडी करो। पासपोर्ट जो है कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एडुकेशन सर्टिफिकेट। एडुकेशन कितना चाहिए, आप लोगों का क्वेश्चन आता है भाई मेरे पढ़ाई नहीं किया है, मैं इतना तक पढ़ा हूँ, तो एडुकेशन आपको जानना पड़ेगा। कम से कम आपका एडुकेशन 10th pass चाहिए। क्यों चाहिए 10th pass? क्रूज में जाने के लिए दो चीज आपके पास चाहिए, एक है STCW जो एक सेफ्टी कोर्स होता है, और CDC। ये CDC करने के लिए आपको 10th pass मार्कशीट चाहिए, तो इसके लिए आपको 10th pass होना जरूरी है। नेक्स्ट जो चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, क्रूज में जाना चाहते हो, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास 1 साल का होगा तो आपका जॉब मिलने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ऐसी भी कुछ जॉब है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे गैली स्टीवर्ड हो गया, क्लीनिंग जॉब्स हो गया, जो एंट्री लेवल का जॉब्स होता है उसमें एक्सपीरियंस उतना मैंडेटरी नहीं करते हैं। आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी अच्छी पोस्ट में आप जाना चाहते हो, जैसे वेटर हो गया, आप असिस्टेंट कुक हो गया, ऐसे किचन हेल्पर हो गया, ये सब पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आपका रिज्यूम हो गया, आपका एडुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये तीन चीज़, और पासपोर्ट आपके पास रेडी है, तो आप क्रूज शिप के लिए एप्लीकेबल हो। दोस्तों, हम जो है ना आप लोगों के लिए दिल से वीडियो लेके आते हैं। क्रूज का कोई भी वैकेंसी आता है, हम वेट नहीं करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। हम चाहते हैं एक भी पैसा खर्च नहीं करके आप क्रूज में मूव कर सकें। हम हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं जो आपको 100% जॉब मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका पूरा रेडी करके देते हैं, आपका रिज्यूम रेडी करके कंपनीज में अप्लाई करना। बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल जिसका वेबसाइट हम हमारा डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अगर आप क्रूज शिप में जॉब ढूंढ रहे हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम जो है आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके पास क्रूज शिप में एप्लीकेशन डालना है, अगर आपको एप्लीकेशन डालना आता है तो आप एक प्रॉपर वे से रिज्यूम रेडी करो, और जो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा उधर जाके आपको चेकआउट करना है क्या क्या जॉब वैकेंसी अभी रिसेंट आया है, उधर जाके आपको एप्लीकेशन डालना है। अगर आपका CV शॉर्टलिस्टेड होता है तो उधर से आपको मेल आता है इंटरव्यू के लिए, तो आपका जो इंटरव्यू होता है बाय कॉल होता है, वीडियो कॉल में आपका इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू आप क्रैक कर पाते हो तो नेक्स्ट जो प्रोसीडियर के लिए आपका जो CV होता है वो चला जाता है। आपका प्रोसीडियर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना लग सकता है, उसके लिए आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। क्रूज में बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि दुनिया घूमने का एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होता है। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी एंट्री लेवल की जॉब्स में भी जाओगे तो आपका सैलरी जो है मिनिमम 80,000 के आसपास आपका सैलरी मिलता है, जो एक अच्छी सैलरी है। आप
किसी नॉर्मल दुबई, कतर, ओमन, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज है इसमें जाके नौकरी करते हो तो 20,000, 15,000, 30,000 के ऊपर सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन क्रूज शिप में सेम काम करके आपको अच्छी सैलरी मिलता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो क्यों आपको वेट करना है और एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, नॉर्मल एक रिज्यूम रेडी करो, कंपनीज में अप्लाई करो, आपको जॉब मिल सकता है। किसी भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड भी कर देते हैं कैसे क्या करना है अगर आपको किसी भी दिक्कत आता है, और हम भी आपका अप्लाई करते हैं बहुत चीप प्राइस में। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं करना आता है तो ही हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर आपको एप्लीकेशन करना आता है खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।